Vayam Prabha. Digital India. Educated India. वेल, स्टूडेंट्स माय नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच यू सो दिस इज माय ट्वेंटियत लेक्चर यह आपराधिक विधि का मेरा ट्वेंटियत लेक्चर है जिसका टॉपिक है आपराधिक मामलों का अंतरण तथा दंडादेश का निलंबन एवं लघुकरण संबंधी प्रावधान इस व्याख्यान के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि आपराधिक मामलों में uh, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कैसे केस को ट्रांसफर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को करता है और हाई कोर्ट को भी पावर है कि अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर वह अपने क्षेत्राधिकारिता के भीतर अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित वादों को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को कर सकता है ग्राउंड क्या होंगे किन आधारों पर और किन परिस्थितियों में ऐसा ट्रांसफर किया जाएगा उसके पश्चात है दंडादेश का निलंबन एवं लघुकरण संबंधी प्रावधान कि दंडादेश का निलंबन कब किया जा सकेगा लघुकरण किया कब किया जा सकेगा इससे संबंधित प्रावधान का अध्ययन इस व्याख्यान के अंतर्गत करने का प्रयास करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित प्रावधान कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दंडादेश का लघुकरण क्षमाधान की शक्ति क्या है और राज्यों के राज्यपाल को संविधान के आठ किलो एक सौ के अंतर्गत वन के अंतर्गत दंडादेश के क्षमाधान की शक्ति दी गई है उसका न्यायिक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है इस संबंधित प्रावधान इस व्याख्यान के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे मैंने ये स्लाइड हिंदी भाषी क्षेत्रों को प्रारंभिक परीक्षा और उनके मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाने का प्रयास किया है और इससे संबंधित सभी सूचनाएं कि आपराधिक मामलों का अंतरण कब होगा ट्रांसफ़र कब होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट को और सुप्रीम कोर्ट किस परिस्थितियों कब किन आधारों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनर्लोकन जुडिशियल रिव्यू कर सकता है तो पहले देखने का प्रयास करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस आपराधिक मामलों का अंतरण एक स्टेट से दूसरे राज्य को एक राज्य से दूसरे राज्य के कोर्ट को और कोर्ट भी एक अपने ही अधिकार क्षेत्र के भीतर एक जिले से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को केस का ट्रांसफर कर सकता है किन आधारों पर करेगा इसको देखने समझने का प्रयास करेंगे तो आप स्लाइड पर आप देखें कि मैंने एक लिखा हुआ है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केस आपराधिक मामलों का अंतरण तथा तो दंडादेश का निलंबन अब आपराधिक मामलों के अंतरण का उद्देश्य क्या है वह है निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना जो फेयर जस्टिस है उसको सुनिश्चित करना और अपराध पीड़ित की सुरक्षा करना दूसरा एक कहाँ पर पावर है दूसरी तरफ मैंने लिखा हुआ राइट साइड में कि सेक्शन 406 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस का अंतरण करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 देता है अब सेक्शन 406 सीआरपीसी सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है कि वह या तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हम इसको बोलते हैं महान्यायवादी के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से सुमोटो या अपराध पीड़ित के आवेदन पर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को एक सत्र न्यायालय से दूसरे सत्र न्यायालय को ट्रांसफर करने का पावर दिया जा सकता ये मैंने इसके आगे लिखा हो लोकस स्टेंड तो लोकस स्टेंड का जो पावर है इसमें लोकस स्टेंड यह लोकस स्टैंडाई भी लैटिन वर्ड है आप जैसा कि जानते हैं लोकस स्टैंडाई का शाब्दिक अर्थ है टू तो स्टैंड बिफोर द कोर्ट जिस व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है वह व्यक्ति ही सामान्यतः न्यायालय में वाद लाता है और आप सभी जानते होंगे कि एक लैटिन सूत्र है ओबी जस ई बी रेमेडियम वेयर देयर इज राइट देयर मस्ट बी रेमेडी जहाँ अधिकार है वहां उपचार का होना आवश्यक है बिना उपचार के अधिकार का कोई अर्थ नहीं है इसलिए ओ बी जस ई बी रेमेडियम का कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत हमने संवैधानिक उपचारों के माध्यम से कि संविधान के भाग तीन के अंतर्गत प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार इट्स अ फंडामेंटल राइट है आर्टिकल बत्तीस एक के अंतर्गत कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में कोई भी व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल बत्तीस एक के अंतर्गत आ सकता है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पावर है धारा 406 के अंतर्गत अपराध पीड़ित की सुरक्षा को देखते हुए और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक राज्य के हाई कोर्ट से दूसरे राज्य के हाई कोर्ट को केस का ट्रांसफ़र कर, कर सकता है आपराधिक मामले का ट्रांसफर कर सकता है धारा 406 के अंतर्गत या ये कार्य जो है किसके आवेदन पर होगा सुप्रीम कोर्ट कैसे केस को ट्रांसफर करे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट को या तो यह अटॉर्नी जनरल भारत के महान्यायवादी के द्वारा आवेद दिए गए आवेदन के आधार पर हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट स्वप्रेरणा से मामले का ट्रांसफ़र एक स्टेट से दूसरे स्टेट इस को कर सकता है या अपराध पीड़ित के आवेदन पर किया जा सकता है जो अपराध पीड़ित है उसके द्वारा किए गए आवेदन से सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट को मामले को ट्रांसफ़र कर सकता है अब इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि एक सत्र न्यायालय से दूसरे सत्र न्यायालय को ट्रांसफर किया जा सकता है तीन कैटेगरी बताई गई है पहला महान्यायवादी के द्वारा किए गए आवेदन से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट को केस दूसरा स्वप्रेरणा से स्वयं सुप्रीम कोर्ट सुमोटो का लेते हुए एक कोर्ट से दूसरे राज्य के कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है और तीसरा है कि अपराध पीड़ित के द्वारा दिए गए आवेदन पर कोर्ट एक राज्य के उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय को आपराधिक मामलों का ट्रांसफ़र किया जा सकता है तो ये बात हो गई सेक्शन 406 के अंतर्गत ऐसा किस लिए होता है निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए अब देखते हैं कि इस पर इम्पॉर्टेंट केस क्या है तो मैंने दो स्लाइड के माध्यम से दो केस बताने का प्रयास किया है एक किस इसमें है अमरिंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम प्रकाश सिंह बादल एआईआर 2009 सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीश के निर्णय के द्वारा दिया गया कि जहां पर रिजनेबल एप्रिहेंशन है कि जस्टिस विल नॉट बी डन जहां पर किसी भी अपराध पीड़ित को यह भय है कि उसके मामले में न्याय नहीं होगा वहां पर माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा इस मामले में निर्णित किया गया कि न्याय सुनिश्चित के लिए न्याय का अंतिम उद्देश्य है पब्लिक कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ जस्टिस की टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम न्याय में लोगों के कॉन्फिडेंस को बनाए रखना लोगों के विश्वास को बनाए रखना और यदि किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में यह भय है कि अगर जब तक मामला ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट को वहाँ पर उस मामले में न्याय नहीं हो पाएगा सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा अमरिंदर सिंह बनाम प्रकाश सिंह बादल की केस में निर्णित किया गया कि केस का ट्रांसफर एक कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को किया जा सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट केस आप देखें स्लाइड पर मैंने बताने का प्रयास किया है वह है आशा रंजन वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार ए आई सुप्रीम कोर्ट और यह संविधान के आर्टिकल 142 के अधीन सुप्रीम कोर्ट ने ये ट्रांसफर किया है बिहार से मामले को ट्रांसफर करके तिहाड़ जेल दिल्ली दिल्ली को भेजा गया जिसमें आप देखें मैंने लिखा है संविधान के आर्टिकल वन फोर्टी टू के अधीन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया कि इसमें गैंगस्टर साहबुद्दीन का ट्रांसफ़र जो है बिहार जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में किया गया तथा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं बिहार में साहबुद्दीन के अगेंस्ट उन सभी का ट्रायल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रायल कोर्ट करेगी ऐसा इसलिए किया गया इसमें जो पिटिशनर हैं आशा रंजन ये आशा रंजन देवी के द्वारा यह इस मामले में संविधान के आर्टिकल 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह संज्ञान में बात लाई गई कि यदि इस मामले का ट्रांसफ़र यदि साहबुद्दीन जो गैंगस्टर है जो उसके पिटिशनर याचिकाकर्ता इस उसके विरुद्ध हत्या के कई मामले बिहार में लंबित हैं यदि वह बिहार में उसको उप बिहार में यदि उपस्थित रहेगा बिहार जेल में रहेगा तो वहाँ से रहते हुए वह उस न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है अतः यहाँ से ट्रांसफर करके अन्य किसी भी राज्य में ले जाया जाए और विचारणगर ट्रायल जिससे कि इस मामले में निष्पक्ष न्याय हो पाए तो संविधान की आर्टिकल 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका को या आवेदन को स्वीकार करते हुए निर्णय किया कि प्रस्तुत मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पहले भी कई मामलों में वह बरी हो चुका है दोषमुक्त हो चुका है अतः ऐसी स्थिति में इस अभियुक्त का उस राज्य में रहना न्यायिक प्रक्रिया को निश्चित रूप से प्रभावित कर सकता है अतः राज्य सरकार को निर्देशित किया कि उसको वहाँ से गैंगेस्टर साहबुद्दीन को बिहार जेल से पटना जेल से उसको वहाँ दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए और उसके समझ जितने उसके विरुद्ध जितने लंबित मामले हैं बिहार में जितने भी पेंडिंग केस हैं उसके विरुद्ध उन सभी में ट्रायल के लिए पेशी तो होती है वैसे कोर्ट में लेकिन पेशी ना होकर के सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए वर्तमान में न्यायालय के द्वारा एक भी प्रक्रिया अपनाई जाती है कि अभियुक्त को यदि जान का खतरा है या अभियुक्त को न्यायालय में लाने में असुविधा हो रही है तो सबसे बेहतर तरीका है कि जहाँ पर अभियुक्त जिस जेल में है वहीं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करे और न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है इसमें न केवल न्यायालय का समय भी बचेगा इसमें न केवल राज्य का खर्चा राज्य का जो अनावश्यक खर्चा है अभियुक्त को लाने ले जाने में उसके पुलिस स्कार्ड उसके वह भी बचेगा साथ ही साथ ऐसे मामलों में वह बिना किसी तकनीकी बाधा के बिना किसी आवागमन की बाधा से न्यायालय उस मामले में त्वरित न्याय कर पाएगा शीघ्र विचारण कर पाएगा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रायः इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी ट्रायल चल रहे हैं विचारण किए जा रहे हैं तो यह केस यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान के आर्टिकल 142 में दिया गया है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए मान उच्चतम न्यायालय पक्षकारों के प्रति कोई भी अप्रोप्रिएट निर्णय कोई भी आदेश निर्देश दे सकता है इन आर्डर टू इन्श्योर कंप्लीट जस्टिस तो ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में कि पूर्ण न्याय का सिद्धांत संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत किया गया है जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट जस्टिस है पूर्ण न्याय का सिद्धांत संविधान के आर्टिकल 142 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है तो ये ये याद रखना है सभी छात्रों को और दूसरा ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट केस है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरे के पूरे न केवल निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए या अपराध पीड़ित के अपराध पीड़ित के सुरक्ष को सुरक्षित रखने के लिए अभियुक्त का ट्रांसफर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को किया जा सकता है उसका सबसे जुलंत उदाहरण जो है ये आशा रंजन बनाम बिहार राज्य का केस है इसमें इस वाद में जो फैक्ट ये था मैं संक्षेप में उसके तथ्य को बता दूं कि साहबुद्दीन के द्वारा दो भाई दो शगे भाइयों की हत्या कर दी गई थी उसके ऊपर आरोप था कि दो भाइयों की हत्या कर दी गई थी इसलिए उसके विरुद्ध हत्या का मुकदमा भी चल रहा था और ये याचिकाकर्ता के द्वारा न्यायालय में साक्ष प्रस्तुत किया गया कि अगर ये यहाँ पे बिहार में रहेंगे तो बिहार में रहने से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है अपराधी उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार करते हुए और उसको वहाँ से तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया और यह इस प्रकार से आप देखें कि जो केस का ट्रांसफ़र न केवल 406 के अंतर्गत सीआरपीसी की धारा 406 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट करने का पावर रखता है बल्कि अन्य संविधान के अन्य संवैधानिक प्रावधान भी उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करते हैं शक्ति प्रदान करते हैं कि वह निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी उचित कदम कोई भी उचित कार्रवाई कर सकता है तो संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को संविधान मौलिक अधिकारों का नागरिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है इसलिए नागरिक अधिकारों के संरक्षक होने के नाते उच्चतम न्यायालय संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कोई भी उचित कदम उठा सकता है और जैसा कि इस केस में आशा रंजन बना बिहार राज्य के केस में मामले को ट्रांसफ़र बिहार से दिल्ली को कर दिया गया कि वहाँ से अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी ट्रायल होंगे तो एक केस महत्वपूर्ण दो केस हो गया इस पर तीसरा आप इसमें देखें कि मैंने स्लाइड के माध्यम से अभी इसके पहले भी मैंने एक व्याख्यान में एक केस बताया था केस का नाम है अमरमणि त्रिपाठी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य यह मधुमिता मधुमिता शुक्ला हत्या केस के नाम से भी जाना जाता है बहुत ही लीडिंग केस है इसमें और ये मामला उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखंड राज्य को ये ट्रांसफ़र किया गया क्यों मामला ये यूपी से उत्तराखंड को ट्रांसफ़र हुआ नीचे मैंने इसको लिखा हुआ है एक बेस्ट बेकरी केस को लिखा है जाहिरा शेख वर्ष स्टेट ऑफ गुजरात ए आई आर टू थाउजेंड फाइव सुप्रीम कोर्ट दो इंपॉर्टेंट केस हैं इस पर एक अमरवणी त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला मर्डर केस है दूसरा है बेस्ट बेकरी केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से वह मामला उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को गया मधुमिता शुक्ला मर्डर केस और जाहिरा शेख के मामले में वह मैटर गुजरात से बॉम्बे हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया गया मैं संक्षेप में यहाँ पे बस बताने का प्रयास करूंगा इसके पहले मैंने अपने एक लेक्चर में ये बताने का प्रयास किया था इस दोनों केस को यहाँ पे बस केवल इतना ही बताना है कि आपराधिक मामलों का ट्रांसफर सत्र न्यायालय सुप्रीम कोर्ट न केवल एक सत्र न्यायालय से दूसरे सत्र न्यायालय को बल्कि स्टेट ट्रांसफर भी कर सकता है राज्य भी बदल सकता है स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांसफर कर सकता है जब जब मैं प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल बता रहा था कि सीआरपीसी uh, की धारा एक सौ सतहत्तर से लेकर के 189 तक के जो प्रावधान हैं वे प्लेस ऑफ़ इंक्वायरी एंड ट्रायल के विषय में बात करते हैं तो वहीं पर मैंने बताने का प्रयास किया कि प्लेस ऑफ ट्रायल जो है सुप्रीम कोर्ट चेंज भी कर सकता है ये जरूरी नहीं कि स्टैचूट में तो एक क्लियर कट कर दिया गया कि किस कोर्ट को क्या पावर होगी उसकी पेकनरी जोडिक्शन क्या है उसकी टेरिटोरियल जो क्या है एक पावर दे दिया गया अगर न्याय हित में न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी अप्रोप्रिएट मेज़र ले सकता है कोई भी उचित कदम उठा सकता है इसलिए यदि प्लेस ऑफ ट्रायल चेंज भी करना पड़े तो उच्चतम न्यायालय प्लेस ऑफ ट्रायल को चेंज कर सकता है इससे केवल और केवल न्याय सुनिश्चित करने के लिए वहाँ पर मैंने इस केस को थोड़ा उल्लेख किया था उस चैप्टर में यहाँ पर आप ये देखें मधुमिता शुक्ला हत्याकांड जो हुआ था उसमें इस मृतका की बहन निधि शुक्ला है उसने एफ या आई आर चश्मदीद गवाह थी सी सी शिवाजाई विटनेस इन दैट केस और जब इस मामले में पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अन्वेषण किया गया तो अन्वेषण में अभ्युक्त के विरुद्ध जो इसमें याच, या इसमें अपीलार्थी अमरमणि त्रिपाठी एवं अन्य है उसमें मृतका की बहन निधि शुक्ला के द्वारा अभियुक्त और उसकी पत्नी और उसके ड्राइवर तीनों को मधुमिता शुक्ला मर्डर केस के लिए नॉमिनेट किया गया था एफ में परंतु अन्वेषण के दौरान चार सीट से इन दोनों लोगों के नाम अभियुक्त के नाम को निकाल दिया पुलिस ने कि प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है अब मृतका की बहन निधि शुक्ला के द्वारा मामले को सीबीआई से जांच करने के लिए निवेदन किया गया अब मामला सीबीआई को हैंडओवर किया गया सीबीआई ने जब अन्वेषण किया तो सीबीआई के द्वारा चार सीट उसी में लगा दी गई और यह कहते हुए कि इसमें न केवल ड्राइवर बल्कि पति पत्नी सभी सम्मिलित हैं और यह उत्तर प्रदेश राज्य में जिसका ट्रायल होगा अब इसमें एक तो चार्ज सीट भी आ गई सी के द्वारा और उस मृतका की बहन के द्वारा यह अप्लीकेशन फाइल किया गया कि यदि उत्तर प्रदेश राज्य में इसका ट्रायल होगा विचारण होगा तो वह यहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है क्योंकि अभियुक्त राजनीतिक रूप से इतना सक्षम है कि वह न्यायिक प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावित कर सकता है इसलिए इस मामले को यूपी से ट्रांसफ़र करके कि किसी अन्य स्टेट को ले जाया जाए अब उस मामले में मा उच्चतम न्यायालय उस आवेदन को स्वीकार करते हुए यह पाया गया कि वास्तव में इस केस को उत्तर प्रदेश से ट्रांसफ़र करके उत्तराखंड को ले जाया जाए और यह मामला उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखंड को ट्रांसफ़र किया गया दूसरा इसमें बेस्ट बेकरी के से जाहिरा शेख बनाम गुजरात राज्य ए आई आर टू थाउजेंड फाइव है ये भी मैंने बताया था कि जाहिरा शेख के मामले में भी इसके पिता और इसके दुकान में कार्य करने वाले कुछ मजदूरों की उग्र भीड़ के द्वारा दुकान के शटर को गिरा करके उसमें मृत्यु कारित की गई थी उन सभी हत्या आरोपियों को गुजरात गुजरात के अंतर्गत विषाण न्यायालय के द्वारा ट्रायल कोर्ट के द्वारा साक्ष के अभाव में बरी कर दिया गया जिसको कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तिस्ता शीतलवाड़ जैसे लोगों के द्वारा हस्तक्षेप करने पर यह मामला गुजरात राज्य से ट्रांसफ़र होकर के बॉम्बे हाई कोर्ट को चला गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस मामले में पुनः विषाण कराया री ट्रायल कराया तो ये बताने का जो प्रयास कर रहे हैं वो क्या इस पे इम्पॉर्टेंट केस कौन से है और किस प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट एक राज्य से दूसरे राज्य को मामले को ट्रांसफ़र कर सकता है और करा सकता है ट्रांसफ़र का उद्देश्य मैंने पहले ही बता दिया कि आपराधिक मामले का ट्रांसफ़र एक स्टेट से दूसरे स्टेट को किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है अब आते हैं यह हो गया कि ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट अब आते हैं कि कोर्ट के द्वारा केस का ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है देखिए उच्च न्यायालय के द्वारा केस का ट्रांसफर हाई का कैन सुमोटो है या तो स्वप्रेरणा से हाई कोर्ट केस का ट्रांसफर कर सकती है अधीनस्थ न्यायालय जो लोअर कोर्ट है वो भी आवेदन दे सकती है कि मामले को ट्रांसफ़र किया जाए एक जिले से दूसरे जिले को कर दिया जाए जो एग्रीड पार्टी है पार्टी में आल्सो अप्लाई पक्षकार के द्वारा कराया जा सकता है उद्देश्य क्या होना चाहिए निष्पक्ष जांच या विचारण के लिए तो हाई कोर्ट को भी पावर दिया गया है कि हाई कोर्ट को भी ऐसा प्रतीत होता है कि निष्पक्ष ट्रायल नहीं हो पाएगा निष्पक्ष विषाण नहीं हो पाएगा तो हाई कोर्ट स्वप्रेरणा से मैटर को ट्रांसफ़र कर दे एक जिले सत्र न्यायालय से दूसरे डिस्ट्रिक्ट दूसरे जिले के सत्र न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय अप्लाई कर सकती है कि इसमें निष्पक्ष जांच के लिए ट्रायल के लिए आवश्यक है कि इस उच्च उच न्यायालय हस्तक्षेप करे और इस मामले को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दे पार्टी भी अप्लाई कर सकती है जो पक्षकार है उसको ऐसा लगता है कि ज़िले में जिस जिले में मामला विचाराधीन है उस ज़िले में न्यायाधीश या अभियुक्त का कोई निकट संबंधी निकट रिश्तेदार न्यायाधीश के रूप में है या इतना वह प्रभावशाली है कि वह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है तो अपराध पीड़ित के द्वारा दिए गए आवेदन से यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है तो वो भी वहाँ पर एक ज़िले से दूसरे ज़िले को मामले का ट्रांसफर किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट को भी पावर दिया गया है जैसा कि मैंने आपको बताया अब आते हैं देखने देखते हैं दंडादेश का निलंबन और परिहार ये तो बात हो गई कि जो आपराधिक मामलों में पनिशमेंट होता है उसको किस किसके द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है और उसको रिड्यूस किया जा सकता है परिहार किया जा सकता है तो मैंने देखिए स्लाइड के माध्यम से बताया हुआ बनाने का प्रयास किया है कि दंडादेश का निलंबन और परिहार परिहार का मतलब होता है यहाँ पे कम्यूट करना रिड्यूस करना मिटिगेट अब इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया समुचित सरकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में केंद्र सरकार हो सकती है राज्य सरकार हो सकती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा चार थार्ट सौ तैंतीस फोर थर्टी थ्री के अंतर्गत कोई भी समुचित सरकार अर्थात केंद्र सरकार या राज्य सरकार जिसके अधीन वह अपराध किया गया है जो प्रभावित पक्षकार है वह किसी भी दंडादेश को किसी भी अन्य दंडादेश में दंडादेश को आजीवन कारावास में आजीवन कारावास को कठोर कारावास साधारण कारावास में कठोर कारावास को साधारण कारावास में और कारावास को जुर्माना में बदल सकता है मैं आपको यहीं बता दूं कि धारा तिरपन जो आईपीसी में दंड दिया गया पनिशमेंट दिया गया है आईपीसी में पांच प्रकार के पनिशमेंट की बात की गई है और पहला है मृत्यु दंडादेश दूसरा है आजीवन कारावास तीसरा है कठोर कारावास चौथा है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी पाँचवा है फाइन सो देर आर फाइव काइंड्स ऑफ़ पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 53 आईपीसी पांच प्रकार के दंड हैं तो अब केंद्र सरकार को भी ये पावर दिया गया है राज्य सरकार को भी ये पावर दिया गया है कि वह दंडादेश का निलंबन कर दे सस्पेंड कर दे कुछ समय के लिए या दंडादेश की मात्रा को भी कम कर दे नेचर को भी कम कर दे दंडादेश का परिहार कर दे लघुकरण कर दे लघुकरण का मतलब होता है कि उसके क्वांटम आप पनिशमेंट को रिड्यूस कर दे बीस वर्ष के कारावास को दस वर्ष में कब तब्दील कर दे आजीवन कारावास को दस वर्ष में कब तब्दील कर दे बदल दे परिवर्तित कर दे ये पावर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सेक्शन फोर थर्टी थ्री के अंतर्गत दिया हुआ है आजीवन कारावास को कठोर कारावास में बदलने की पावर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को दी गई है इसका उद्देश्य केवल और केवल यह है कि जब किसी आपराधिक मामले में न्यायालय के द्वारा किसी को दोषिद्ध किया जाता है तो दोषिद्धि के पश्चात यदि केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को साक्ष के माध्यम से यदि यह संतुष्ट कराया जाता है कि उस अपराधी का जेल में व्यवहार अच्छा रहा है तो एक प्रावधान है जेल मैनुअल में कि जेल अधीक्षक के द्वारा की गई सिफारिश अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकारें अभियुक्त के सजा को माफ़ कर देती हैं हम जिसको सजा माफ़ी बोलते हैं साधारण भाषा में तो ये सजा माफ़ी या दंडादेश के सस्पेंशन और लघुकरण के पावर जो है वह राज्य सरकार को दिए गए हैं मानो कि उनके दंडा उनके दंडादेश को दंडा इतना कम किया जा सकता है कि मानो कि उसने कोई अपराधी न किया हो जैसे वह मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में बदल दें आजीवन कारावास को वह पाँच वर्ष दो वर्ष के कारावास में बदल दें कठोर कारावास को जो सश्रम कारावास है उसको साधारण कारावास में बदलने की पावर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को दिया गया है अब आते हैं इसमें महत्वपूर्ण केस है कि दो मैंने केस इसमें लिखा है जो इम्पोर्टेंट केस है पहला है के एम नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या ए आई आर और दूसरा है दूसरा केस है वी श्रीहरन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ए आई आर टू थाउजेंड फोर्टीन शत्रुघ्न चौहान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ये थ्री जजेज बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया है मृत्यु दंडादेश के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम विलम्ब यह मानसिक मानसिक प्रताड़ना मानी जाएगी मानसिक प्रताड़ना होगी और इसको आर्टिकल ट्वेंटी वन का उल्लंघन होगा अब इस केस को अलग अलग करके देखते हैं समझने का प्रयास करते हैं कि के एम नानावती का केस कैसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है श्रीहरन और शत्रुधन चौहान बनाम भारत संघ एआईआर टू थाउजेंड फोर्टीन ए सी सी सुप्रीम कोर्ट अब ये जो तीन महत्वपूर्ण केस हैं इन तीन महत्वपूर्ण केस के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि सरकारें कब दंडादेश को कम कर सकती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान की आर्टिकल 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की पावर दी गई है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 72 के अंतर्गत भारत में किसी भी न्यायालय अधिकरण के द्वारा दिए गए दंडादेश का निलंबन परिहार या लघुकरण कर सकेगा और क्षमादान के शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत का राष्ट्रपति दंडादेश को समाप्त भी कर सकता है मानो कि इस स्वभियुक्त ने कोई अपराध किया ही ना हो तो राष्ट्रपति को संविधान के आर्टिकल बहत्तर सेवेंटी के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति दी गई है पार्डनिंग पावर दी गई है और संविधान के आर्टिकल वन सिक्सटी वन के अंतर्गत राज्यों के राज्यपालों को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है अभी देखते हैं कि के एम नानावती वर्ष स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में संक्षेप में मैं फैक्ट बताने का प्रयास करूंगा कि इस केस का तथ्य क्या है तो यह केस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और आई की धारा तीन सौ प्रथम अपवाद में भी इम्पॉर्टेंट है भारतीय जनसंहिता की धारा 300 प्रथम अपवाद में है कि आपराधिक मानववध हत्या की कोर्ट में नहीं आएगा जब वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के स्वरूप कारित किया गया हो तो गंभीर और अचानक प्रकोपन के मृत्यु कारित करना वह आपराधिक मानववध माना जाएगा हत्या नहीं हो सकता मर्डर नहीं हो सकता है और यह के एम नानौती बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस इस पर सबसे महत्वपूर्ण केस है इस केस में के एम नानावती एक अधिकारी होता है अपने ड्यूटी को समाप्त कर जब अपने घर पे वापस आता है तो देखता है कि पत्नी फ़ोन पे बात करती है और पत्नी के द्वारा उस के एम नानावती के समक्ष यह स्वीकार करना कि उसकी पत्नी का उसके मित्र के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है विवाहित संबंध है और वह उसके साथ रहना चाहती है इससे के एम नानावती अपनी पत्नी की इस बात को सुनते हुए सुन के आक्रोशित हो जाता है और वह पत्नी और बच्चों के साथ आ, पत्नी की बात को सुनकर आक्रोशित हो जाता है और वह अपने ऑफिस आता है अपनी पिस्टल निकालता है पिस्टल लेकर के घर पर पुनः आता है और बच्चों और पत्नी को लेकर पुनः वह सिनेमा मूवी के लिए जाता है पत्नी और बच्चों को सिनेमा हॉल में छोड़कर वह अपने उस मित्र के पास उस मित्र के घर जाता है और मित्र के घर में घुस अपने मित्र की गोली मारकर मृत कर देता है और तत्पश्चात वहाँ से वापस आता है पत्नी और बच्चों को लेकर घर आता है और पत्नी से कन्फेस्ट करता है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के समक्ष भी वह स्वीकार करता है कि ऐसी परिस्थितियों में उसने उसको मारा है अब न्यायालय के समक्ष जब यह सत्र न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या वे परिस्थितियाँ थीं जिस परिस्थितियों से के एम नानावती अचानक रूप से प्रकोपित होगा और उस प्रकोपन के परिणामस्वरूप अपने मित्र की मृत्यु कारित कर दी अब इस स्थिति में सत्र न्यायालय के द्वारा इस मामले में के एम नानावती को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के लिए अभियोजित किया गया हाई कोर्ट में अपील करने पर उच्च न्यायालय में अपील किया गया अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब अपील में के एम नानावती के द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील की गई अपने दो सिद्धि के विरुद्ध तो सुप्रीम कोर्ट ने के एम नानावती को माना कि यह आजीवन कारावास उसको आजीवन कारावास के लिए उत्तरदायी ठहराया और ये माना कि यद्यप कि जो धारा 301 के अंतर्गत यह लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है क्यों क्योंकि जो धारा 301 के प्रथम अपवाद में प्रथम एक्सेप्शन में जो लिखा हुआ है कल पेबिल नॉट अमाउंटिंग मर्डर कि वह है गंभीर और अचानक प्रकोपन के परिणाम स्वरूप जहाँ पर मृत्यु कारित की जाती है वहाँ पर व्यक्ति को हत्या के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता है इस मामले में के एम नानावती को हत्या का दोषी माना गया वह इसलिए हत्या का दोषी माना गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या किया वह भारतीय जनसंहिता की धारा 300 के प्रथम अपवाद का और वह व्याख्या इस रूप में किया कि परिस्थितियाँ वे परिस्थितियाँ पत्नी के द्वारा विवाहेतर संबंध स्वीकार करना किसी भी पति को उद्देलित कर सकता है तो वह पति अपने मानसिक नियंत्रण खो दिया होगा परंतु पति के द्वारा वह पत्नी के बात को सुनना और उसके फिर अपने अपने ऑफिस जाना वहाँ से पिस्टल लेना फिर वह मूवी के लिए बच्चों को छोड़ना सिनेमा हॉल में छोड़ना यह जो समय का अंतराल है ये जो टाइम गैप है यह समय अंतराल जो है उस व्यक्ति को अचानक रूप से प्रकोपित होने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है और अचानक रूप से वह प्रकोपित नहीं हुआ धारा 300 का प्रथम अपवाद अपवाद का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का व्यक्ति को न जो प्रकोपन है जो इंस्टिगेट किया गया है वह प्रकोपन न केवल गंभीर हो बल्कि अचानक भी होना चाहिए तो यह गंभीर तो थी बातें गंभीर थी बट वह अचानक नहीं था आलाप सड़े नहीं था समय अंतराल था और उस समय में उसको पर्याप्त समय था सोचने का ये डिलिबरेट किलिंग है जानबूझ कर किया गया मृत्यु है इसलिए हत्या का दोषी है और यह आजीवन कारावास के लिए दोषी दी की गई अब के एम नानावती के द्वारा के एम नानावती की सजा की माफ़ी के लिए राज्यपाल के द्वारा संविधान के आर्टिकल वन सिक्सटी वन के अंतर्गत क्षमादान के लिए आवेदन स्वीकार किया गया तो यह केस मैंने जो संक्षेप में फैक बताने का प्रयास किया कि यह संविधान के आर्टिकल वन सिक्सटी वन के अंतर्गत कैसे राज्यपाल ने क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें मामले को अब दूसरा केस इसमें है वी श्रीहरन बनाम भारत संघ ए आई आर टू थाउजेंड फोर्टीन चौहान का केस है सतुधन चौहान वर्सेज भारत संघ दो हज़ार चौदह अब इन दो महत्वपूर्ण केस के माध्यम से हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या है उससे पहले इस केस को देखें मैंने स्लाइड पर लिखा बनाने का समझाने का प्रयास किया है कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वह संविधान के आर्टिकल सेवेंटी टू में दिया हुआ है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है इससे संबंधित पहला मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मारू राम बनाम भारत संघ के केस में मारू राम बनाम भारत संघ नाइनटीन एटी सी आर एल जे केस में आ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्डित किया गया मारू राम बनाम भारत संघ या 1980 सौ सुप्रीम कोर्ट के केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णित किया गया कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का भी न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है जैसा कि सभी छात्रों को ज्ञात होगा कि राष्ट्रपति जो यह जुडिशियल रिव्यू जो राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज करता है यह भी उसका स्वयं का डिस्क्रिप्शन नहीं है यह राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का प्रयोग भी यह कैबिनेट के सलाह पर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही किया जाता है आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की जो भूमिका है यद्यप कि संविधान संरक्षक के रूप में है परंतु राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से उन सभी परामर्श को मानने के लिए बाध्य है जो मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है इस प्रकार का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल उपखंड एक के अंतर्गत किया गया है कि केंद्र की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति ऐसी मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए सलाह और परामर्श के अनुसार कार्य करेगा राष्ट्रपति ऐसी मंत्रिपरिषद के सलाह को प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है परंतु मंत्रिपरिषद के द्वारा यदि उसी प्रस्ताव को उसी रूप में पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से उस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य है या तो वह राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करे या उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे उसको अब पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास वापस नहीं भेज सकता है यह संवैधानिक बाध्यता है यह संवैधानिक प्रावधान संविधान की आर्टिकल 74 उपखंड एक में चौवालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा राष्ट्रपति की स्थिति को थोड़ा और अच्छी की गई सुदृढ़ की गई तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि जो क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति है यह क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की भी डिस या विवेकी शक्ति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर है मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है तो अब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का दो चीज़ें हैं यह एक प्रकार से इसका अधिकारपूर्वक मांग नहीं की जा सकती है कोई अभियुक्त अधिकार पूर्वक मांग नहीं कर सकता कि संविधान के आर्टिकल सेवेंटी टू के अंतर्गत आवेदन दे कि राष्ट्रपति उसके मामले में सुनवाई करें और समाधान प्रदान करें राष्ट्रपति को जो विशेष प्रावर दिया गया विशेष शक्ति प्रदान की गई वह उसे एक प्रकार से विशेष अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी मामले में समाधान होना चाहिए तो वह उस मामले में अभियुक्त के सजा को अपराधी के सजा को माफ़ करते हुए और क्षमादान दे सकता है कि मानव अपराधी ने कोई अपराध नहीं किया चूंकि यह प्रश्न वर्ष 1980 में 1980 में ही सुप्रीम कोर्ट के समझ आया कि क्या क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशरी रिव्यू कर सकती या नहीं है क्षमादान राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित था राजनीतिक कारणों से व्यक्ति को क्षमादान दिया गया था या क्षमादान करने का कोई पर्याप्त आधार है यह उच्चतम न्यायालय जांच कर सकता है इस बात की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 1980 में ही मारू राम बनाम भारत संघ के केस में कर दिया गया अब एक बात तो क्लियर हो गई स्पष्ट हो गई कि क्षमादान की शक्ति भी जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है किस आधार पर क्षमादान दिया गया है वे कौन से ग्राउंड हैं जिसपे सजा माफी की गई है उस ग्राउंड का टेस्ट सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है एक इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में स्थापित किया और ये छात्रों को बताने मैं ये बता दूं कि ये वर्ष उन्नीस सौ का वर्ष है आप ये देखें इस समय तक भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया गया था केसवान भारती की केस में केशवान भारती बनाम केरल राज्य या आई आर की केस में आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को सुप्रीम कोर्ट ने इन्वॉल्व कर दिया था और उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है किसी भी लॉ का किसी भी प्रस्ताव का यदि वह संविधान के विपरीत है संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है और यह देखने के लिए कि जो भी प्रस्ताव है वह संविधान के दायरे में रहते हुए है या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1973 में कि जुडिशियल रिव्यू जो है संविधान का आधारभूत ढांचा है उच्चतम न्यायालय का न्यायालय उच्चतम न्यायालय का किसी भी निर्णय को किसी भी प्रस्ताव को रिव्यू करने का जो पावर है यह संविधान का आधारभूत ढांचा है उसको संसद संशोधन के माध्यम से भी समाप्त नहीं कर सकती है तो जब मारू राम के मामले में उन्नीस में सुप्रीम कोर्ट को अवसर प्राप्त हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति की न्यायालय की स्कूटनी से बाहर नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि भारत में किसी भी स्थिति भारत में किसी भी न्यायालय न्यायाधिकरण के निर्णय को वह रिव्यू कर सकता है तो राष्ट्रपति को जो क्षमादान के लिए प्रस्ताव दिया जाता है कैबिनेट के द्वारा क्या मंत्रिपरिषद ने राजनीतिक भावना से दुर्भावना से प्रेरित हो के किसी अपराधी की किसी अपराधी की सजा माफ़ी के लिए क्षमादान का आवेदन दिया है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप करते हुए यदि दुर्भावना से राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है तो उसको रिव्यू कर सकता है और उसको टेस्ट कर सकता है कि क्षमादान का जो क्षमादान की पावर है वो वैध आधारों पर है अथवा नहीं है अब दूसरा इस पे जो केस है हरन बनाम भारत संघ ए 2014 का उससे पहले मैं आपको एक केस बताऊं कि मैंने स्लाइड बनाया जैसे लिखा है मृत्यु दंडादेश का आजीवन कारावास में परिवर्तन कब मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है इस पर दो महत्वपूर्ण केस हैं आप इसको देखें टी वी टी वी वाखेश्वरण वर्ष स्टेट ऑफ़ तमिलनाडु ए आई आर नाइनटीन एट्टी थ्री सुप्रीम कोर्ट दूसरा इस पर महत्वपूर्ण केस है त्रिवेणी बेन वर्ष स्टेट ऑफ गुजरात ए आई आर नाइनटीन एट्टी नाइन सुप्रीम कोर्ट दो ऐसे मामले हैं केस केसें दो इन दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट के दो डिफरेंट व्यू आए हैं तो उच्चतम न्यायालय का जो इस दो केस में दो भिन्न भिन्न भिन विचार हैं उसके माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो डेथ सेंटेंस है उसमें अगर अनावश्यक विलंब किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का विचार क्या है पहला आप केस को देखें मैंने लिखा है टी वी वाथिसन स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में यह पहला अवसर था उच्चतम न्यायालय को जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया कि डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस ए डेथ सेंटेंस इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। टीबी टी केस में याचिकाकर्ता को आदेश दिया गया था और आदेश के एग्जीक्यूशन में क्रियान्वयन में विलंब हो रहा था उसने अपने विलंब अपने डिले की बाध्यता को चुनौती दिया सुप्रीम कोर्ट में कि अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है इससे ऐसी स्थिति में मृत्यु दंडादेश जिस व्यक्ति को दिया जाता है मृत्यु दंडादेश प्राप्त व्यक्ति वह उस दिन मर उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसको फांसी दी जाती है डेथ सेंटेंस दिया जाता है बल्कि जिस दिन उसको सजा सुना दी जाती है उस दिन से वह प्रतिदिन उसकी मृत्यु होती है और प्रतिदिन उसकी मेंटल ट्रामा से गुजरता है वह मानसिक प्रताड़ना से गुजरता है उसकी प्रतिदिन मृत्यु होती है जब तक कि उसको फांसी पर न चढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार का बचाव टी वी वाथीश्वरण की केस में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उसके अधिवक्ता ने लिया कि जिस दिन उसको फांसी की सजा हुई उस दिन न केवल अभियुक्त बल्कि अभियुक्त के परे अभियुक्त के अभियुक्त के पूरे परिवार की मृत्यु हुई और ये प्रतिदिन उनकी मृत्यु होती है प्रतिदिन वह उसी कष्ट से गुजरते हैं जो कष्ट एक व्यक्ति को मृत्युदंडादेश सुनाए जाने के पश्चात होता है तो पूरा परिवार उस मानसिक त्रासदास उस मानसिक पीड़ा से गुजरता है इसलिए डिले अगर हो रहा है विलम्ब हो रहा है अनावश्यक विलम्ब हो रहा है सरकार उसका कोई यथोचित जवाब नहीं दे पा रही है तो इस मृत्युदंडादेश को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है और इस केस में उस मृत्युदंडादेश को आजीवन कारावास में बदल दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो एक बात सुप्रीम कोर्ट ने टी वी केस में स्पष्ट किया कि जब हम जब डेथ सेंटेंस को आदेश को एग्जीक्यूट करने में उसको क्रियान्वित करने में अनावश्यक विलंब होगा यह संविधान की आर्टिकल इक्कीस का उल्लंघन माना जाएगा और आदेश को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है और आदेश के अभियुक्त का दंडादेश में विलम्ब किया जाना अनावश्यक विलंब किया जाना ये संविधान की आर्टिकल इक्कीस जीने के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और ये मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया और आप जानते हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय भारत के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाधकर है तो हाई कोर्ट भी ऐसे मामलों में चाहते हुए भी वह डेथ सेंटेंस को या राज्य सरकारें भी डेथ सेंटेंस को आजीवन कारावास में बदल सकती हैं परंतु इस उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए इस निर्णय को विशेष परिस्थिति में कि जहाँ पर मृत्यु दंडादेश को मृत्युदंड आदेश दिया गया है फांसी की सजा होनी चाहिए डेथ सेंटेंस नहीं दिया जा रहा है और कोई रीजनेबल ग्राउंड भी नहीं है कि विलम्ब क्यों हो रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में हम डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए और बदल दिया गया पुनः देखिए उसी से संबंधित त्रिवेणी बेन का मामला गुजरा, बेन गुजरात त्रिवेणी बेन बनाम गुजरात राज्य का मामला है अब त्रिवेनी बेन के मामले में भी अभियुक्त के द्वारा न्यायालय उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन में यदि अनावश्यक विलंब हो रहा है तो आदेश को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने उस तर्क को मानने से अस्वीकार कर दिया कि यह कोई एक रूल नहीं है नियम नहीं है कि प्रत्येक मृत्युदंडादेश को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए यह प्रत्येक आपराधिक मामलों में तथ्य परिस्थितियों के आधार पर निर्णय दिया जा सकता है अतः इस, इस इस केस में त्रिवेणी बेन बनाम गुजरात राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट की केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया कि जहाँ पर मृत्यु दंडादेश के क्रियान्वयन में विलम्ब होता है वहाँ पर प्रत्येक मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में बदलने का पावर सुप्रीम कोर्ट नहीं रखती है इसलिए इस केस में मना कर दिया पुनः आप हाँ, देखें टी वी केस को यहाँ पे श्री हर श्री हरिहरन और श्रुधन चौहान के केस में जो भारत श्री हरन बनाम भारत संघ ए वर्ष 2014 या 2014 सुप्रीम कोर्ट का केस है पुनः 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया कि डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ़ डेथ सेंटेंस दैट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेथ सेंटेंस को क्रियान्वयन करने में विलंब करना यह अभियुक्त के लिए एक प्रकार से मेंटल ट्रामा है मानसिक त्रासदी है मानसिक पीड़ा से वह गुजरता है और अनावश्यक यदि विलम्ब किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वह डेथ सेंटेंस को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए अब इस प्रकार से जो प्रावधान आपने देखा राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति और सरकार के द्वारा दंडादेश का कम करने का जो प्रावधान किया गया है अब हम इसको अगर संक्षेप में बताने का प्रयास करें कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति को संविधान की आर्टिकल सेवेंटी टू में क्षमादान की शक्ति दी गई है उसी प्रकार से संविधान की आर्टिकल 161 सिक्सटी वन के अंतर्गत राज्यों के राज्यपाल को आपराधिक मामलों में क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है बस केवल अंतर इतना है कि बुनियादी अंतर दोनों में है कि क्षमादान की शक्ति का चाहे वह राज्यपाल है या राष्ट्रपति है दोनों के क्षमादान की शक्ति का सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है ग्राउंड को टेस्ट कर सकता है यदि ग्राउंड राजनीतिक भावना से प्रेरित है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऐसी सजा माफ़ी को क्षमादान क्षमादान को असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है अब प्रायः ये कन्फ्यूज़न होता है कि आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष कारावास या 14 वर्ष कारावास है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि आजीवन कारावास से तात्पर्य उस अभियुक्त के अपराधी के संपूर्ण जीवन काल से है उसको जेल में ही मरना है यह बिल्कुल क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है आजीवन कारावास से, से तात्पर अपराधी के शेष जीवन काल से है अब उसको जो कम्यूट किया जाता है ये सरकार है राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसको दंडादेश को कम्यूट कर सकती हैं कब जब जेल में अभियुक्त का व्यवहार यदि सही है अभियुक्त जेल मैनुअल के हिसाब से जेल अधीक्षक की रिपोर्ट लगती है कि जेल में रहते हुए अभियुक्त ने अच्छा व्यवहार किया है किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं रहा है तो ऐसी स्थिति में उसकी सजा को माफ़ कर दिया जाता है तो अब आजीवन कारावास को कम करने का प्रावधान स्टेट को राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को उपलब्ध किया गया डेथ सेंटेंस को कम करने का पावर दिया गया यह आजीवन कारावास या कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलने की जो स्टेट की पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो राज्य केंद्र सरकार की जो पावर है इसका भी रिव्यू किया जा सकता है यदि इस पावर का दुरुपयोग किया जाता है हम प्रायः देखते हैं कि सीआरपीसी uh, की धारा थी तीन सौ इक्कीस में प्रावधान किया गया है कि विथड्रॉल ऑफ क्रिमिनल केस मैं अगर उसको आपको इसके साथ ही साथ एक बताने का प्रयास करूं सीआरपीसी की धारा तीन सौ इक्कीस उसमें भी राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वह अभियुक्त के अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन को वापस ले सकती हैं उसको बोलते हैं विड्रॉल ऑफ क्रिमिनल केस जिस किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध अपराधी का अभियोजन पेंडिंग है उससे भी वह वापस लिया जा सकता है मानो कि उसने कोई अपराध किया हो किया ही ना हो लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण अब यह बहुत कठिन हो गया है कि यह वह राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों कभी भी दुर्भा राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर के सजा माफी नहीं कर सकती हैं और राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर अगर दंडादेश का निलंबन करती हैं परिहार करती हैं तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप करेगा ये बात उन्नीस सौ अस्सी से ही स्पष्ट हो चुका है दूसरी बात ये जो लघुकरण का पावर दिया गया है सरकारों को दंडादेश के निलंबन का पावर दिया गया है दंडादेश के परिहार का समाप्त करने का जो पावर दिया गया है यह पावर विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को दिया गया है उसके पीछे लाजिक तर्क केवल और केवल यह है कि ये विशेष जो प्रावधान दिए गए हैं राज्य सरकार को क्षमादान या राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति यह तब दिए गए हैं जब अभियुक्त फर्स्ट डिग्री ऑफेंडर है प्रथम बार अपराध किया है और अपराध प्रथम बार किसी पारिवारिक व्यवस्था में अगर उसने हत्याकारित कर दी है और उस हत्याकारित करने के पश्चात उससे आजीवन कारावास हुआ हो जेल में उसके व्यवहार अच्छे रहे हों तो उस फर्स्ट डिग्री ऑफेंडर को सजा माफ़ करते हुए उसके आजीवन कारावास को सा कठोर कारावास में साधारण कारावास में बदलते हुए दस वर्ष या बारह वर्ष जैसी स्थितियाँ हों विवेक है विवेकी बिबेक अधिकार प्राप्त है कि उसकी सजा को कम करते हुए उसे रिहा कर दिया जाए अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो सस्पेंशन है पनिशमेंट का जो कम्यूटेशन है सेंटेंस का जो परिहार है रेमिसन है सेंटेंस का पेशेवर अपराधियों को उपलब्ध नहीं होगा जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है ऐसा व्यक्ति जिसने दस मर्डर किए हैं पहले में दोषित हो दो चुका है अब ऐसी स्थिति में जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है पेशेवर अपराधी है उन पेशेवर अपराधियों को दंड दे दंडादेश का न तो निलंबन होगा न तो दंडादेश का लघुकरण होगा न तो दंडादेश का परिहार होगा अब यह सभी छात्रों के लिए जान लेना आवश्यक है कि ये जो पावर दिए गए हैं दंडा को सस्पेंड करने के लिए या दंडादेश को रिड्यूस करने के लिए पनिशमेंट को रिड्यूस करने के लिए या उसके नेचर ऑफ पनिशमेंट को रिड्यूस करने के लिए चेंज करने के लिए ये जो पावर है यह विशेष परिस्थितियों में गवर्नमेंट को दिया गया उसका लॉजिक मैंने अभी बताया कि केवल सुधरने के एक अवसर प्रदान करना और जो उन व्यक्तियों को सुधरने का अवसर प्रदान करना जो पहली बार अपराध किए हैं प्रथम कोर्ट के अपराधी हैं फर्स्ट डिग्री अपराधी हैं उनको सुधारने का एक अवसर प्रदान करना ये प्रावधान जितने भी मैंने बताए ये पेशेवर अपराधियों को उपलब्ध नहीं होंगे जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं उनको ये प्रावधान उनको ये लाभ नहीं दिया जा सकता है तो ये जो परिहार और रेमेशन के जो सिद्धांत हैं मैंने आपको बताया कि रिफॉर्मेटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट जो सुधारात्मक सिद्धांत हैं उसके आधार पर ये प्रावधान लाए गए हैं कि अभियुक्त को भी अगर अपराध किया है व्यवस्था में कोई मजबूरी में अपराध कर दिया है तो उसको एक सुधारने का अवसर अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए यदि वह गलती स्वीकार करते हुए समाज में पुनः अपने आप को स्थापित करना चाहता है तो उसको पेशेवर अपराधी होने से रोका जाए उसकी सज़ा को कम करते हुए उसे उसे घर पे भेजा जाए जिससे कि वह पुनः एक समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन समाज के प्रति कर सके इस भावना के साथ ये सिद्धांत कि दंडादेश को कम कर देना सज़ा को माफ़ कर देना ये उन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए प्रावधान किए गए हैं इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि राज्य को एक प्रकार से लाइसेंस दिया गया है कि राज्य जिस किसी भी अपराधी को चाहे वह सज़ा माफी कर दे जिस किसी भी अपराधी को चाहे वह उसके सज़ा को कम कर दे मिटिगेट कर दे रिड्यूस कर दे पनिशमेंट को ऐसा नहीं है वह तर्कसंगत है लॉजिकल उसके पीछे एक वैध आधार है और वह वैध आधार है कि उससे हम किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं उद्देश्य मैंने आपको बताया कि ये केवल और केवल ये जो लाभ हैं ये फर्स्ट डिग्री ऑफेंडर को प्राप्त होंगे जो पहली बार अपराध किए हैं उनको प्राप्त होंगे दूसरा आप देखें क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल जो किसी भी अभियुक्त के दंडादेश को कम कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं इसमें एक केस केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन ए आई आर सुप्रीम कोर्ट केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन ए आई आर सुप्रीम कोर्ट इस केस को इंदिरा गांधी हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है इंदिरा गांधी मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है के हर सिंह और उसके सहयोगियों के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हत्याकारित कर दी गई थी अब जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई डेथ सेंटेंस सुनाया गया तो इन लोगों ने इनको तो मालूम था कि डेथ सेंटेंस होना है फांसी की सजा उनको होनी होनी है केवल मामले को उलझाने के लिए और लिंगरान करने के लिए विलम्ब करने के लिए वे बार बार कभी गवर्नमेंट के समक्ष मार्टर प्रस्तुत करते थे कभी भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत करते थे कि इस मामले में राष्ट्रपति सहानुभूतपूर्वक विचार करते हुए क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्तों को क्षमादान कर दे और सबसे महत्वपूर्ण बात है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया कि जब उस प्रस्तुत मामले में राष्ट्रपति के द्वारा कोई क्षमादान की क्षमादान नहीं दी गई तो अभियुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रस्तुत या, एक याचिका प्रस्तुत की और उसमें यह आधार लगाया कि क्षमादान के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के आर्टिकल सेवेंटी टू के अंतर्गत क्षमादान के आवेदन को सुनने के पहले अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया केहर सिंह को सुना नहीं गया उनकी उनको एक बार भी बिना सुने हुए और उसमें राष्ट्रपति ने निर्णय ले लिया उनके आवेदन को खारिज कर दिया तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया कि प्रस्तुत मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित किया गया कि राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल बहत्तर के सेवेंटी टू के अंतर्गत क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करने के दौरान कभी भी सुनवाई का अवसर देने के लिए अभियुक्त को बाध्य नहीं है अभियुक्त को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए हुए अगर क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है तो वह वैध माना जाएगा उसको सुनने के लिए बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रूप से यह निर्णित कर दिया कि कोई भी अभियुक्त राष्ट्रपति के समक्ष सुनवाई सुने जाने के अवसर के सिद्धांत का दावा नहीं कर सकता कि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है और राष्ट्रपति बिना उसके पक्ष को सुने हुए क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके आवेदन को खारिज कर दिया भारत का राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियों का जिन सिद्धांतों के तहत उपयोग करता है वे उसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं उसकी विशेषाधिकार शक्ति है उसकी विवेकी शक्ति है कोई भी अभियुक्त या अपराधी उसकी अधिकारपूर्वक मांग नहीं कर सकता है इसलिए केहर सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम रूप से यह निर्णित कर दिया गया कि क्षमादान की शक्ति यह किसी भी अपराधी या अभियुक्त का अधिकार नहीं है कि वह है मांग करे कि राष्ट्रपति के द्वारा आवेदन सुनवाई किए जाने से पहले उसे एक बार सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए तो ये दो बातें क्लियर हो गई कि हर सिंह की केस में कि क्षमाधान की शक्ति का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति अपराधी को सुनने के लिए बाध्य नहीं है उसके पक्ष को सुनने के लिए बाध्य नहीं है दूसरी बात ये हो गई कि यदि आदेश के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि ऐसे डेथ सेंटेंस को मृत्युदंडादेश को आजीवन कारावास में सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है तीसरी बात ये हो गई कि ये जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति राज्यपाल की या राज्य की सरकारों की जो दंड देने की दंड की लघुकरण की शक्ति है यह अनकंट्रोल्ड नहीं है अनियंत्रित नहीं है अनगाइडेड नहीं है इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका पुनर्विलोकन किया जा सकता है यह उन्नीस सौ अस्सी में मारू राम बनाम भारत संघ की केस में ही कर दिया गया है अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो चीज़ें हैं कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार जैसी स्थिति हो ऐसे अभियुक्त को जिसे न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध कर दिया गया है उसकी सजा को निलंबित कर सकती है कुछ समय के लिए सस्पेंड निलंबन किया जा सकता है लघुकरण किया जा सकता है कम किया जा सकता है परिहार किया जा सकता है मानो कि उस अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध किया ही नहीं गया हो तो यह जो प्रावधान है मैंने भारतीय संविधान के आर्टिकल बहत्तर से लेकर के संविधान के आर्टिकल वन सिक्सटी वन से जोड़ते हुए ये बताने का प्रयास किया कि न केवल राज्य सरकारों को ये पावर दिए गए हैं बल्कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति के रूप में राज्यों के राज्यपाल को संविधान के आर्टिकल एक सौ इकसठ के अंतर्गत क्षमादान के रूप में यह शक्ति प्रदान की गई है अब इस मैंने ये भी बताया कि त्रिवेणी बेन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पूर्व के निर्णय को बदलते हुए यह निर्णित किया कि कैपिटल uh, सेंटेंस को लाइफ इम्प्रजनमेंट में कन्वर्ट करने करना यह कोई व्यक्ति इसकी मांग अधिकारपूर्वक नहीं कर सकता ये सुप्रीम कोर्ट केस टू केस केस के गंभीरता के आधार पर कैपिटल पनिशमेंट में को आजीवन कारावास में बदल सकती है यदि एग्जीक्यूशन में अनावश्यक डिले होता है तो मैं समझता हूँ कि uh, मैंने दंडादेश के निलंबन से लेकर के जो भी आपराधिक अब एक पुनः इसको रिकैप करते हैं पुनः है एक बार संक्षेप में बताने का प्रयास करते हैं कि आपराधिक मामलों का जो अंतरण है तथा तो दंडादेश का निलंबन या और लघुकर्ण संबंधी प्रावधान है मैंने इसको चार सौ छः फोर जीरो सेवन सी आर पी सी बताने का प्रयास किया महत्वपूर्ण जो केस हैं उसको बताने का प्रयास किया हाईकोर्ट को पावर दी गई उसको भी और यह जो समुचित सरकार शब्दावली का प्रयोग किया गया है सेक्शन 433 थर्टी के अंतर्गत कि मृत्युदंडादेश को अन्य दंडादेश में या आजीवन कारावास को कम कारावास में बदलने की पावर राज्य सरकार या केंद्र सरकार रखती है अभी वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में कहा शत्रुधन चौहान वर्ष भारत संघ श्री हरिहरन बनाम भारत संघ के केस में निर्तित किया गया कि दंडादेश के क्रियान्वयन में यदि अनावश्यक विलम्ब होता है तो उसको यह आर्टिकल इक्कीस का उल्लंघन माना जाएगा मैंने राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का जुडिशल रिव्यू की भी बात कही और किस केस में जुडिश कहा गया कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का जुडिशल रिव्यू हो सकता है यह क्षमादान की शक्ति भी मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श और सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति एक्सरसाइज करता है और लास्ट में मैंने बताने का प्रयास किया अंतिम रूप में कि मृदुदंडादेश का आजीवन कारावास में परिवर्तन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने टी वी केस में यह निर्णय दिया था अब इस व्याख्यान के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग डेथ सेंटेंस आजीवन कारावास के लघुकरण के विषय में उसके आ, कम्युटेशन के विषय में उसके परिहार के विषय में और निलंबन के विषय में तथा आपराधिक मामलों के ट्रांसफर के विषय में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने देने का बताने का प्रयास किया और यह मुझे पूरा विश्वास है कि इस व्याख्यान के माध्यम से निश्चित रूप से आप लाभान्वित हुए होंगे और यह पूरा यदि स्लाइड आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको न केवल प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि आपको लिखित परीक्षा में भी यह प्रावध ये सारे प्रावधान बहुत ही प्रभावी साबित होंगे इसी शब्दों के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ थैंक यू धन्यवाद